क्लास ट्वेल्थ एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री सेवन आंसर द फॉलोइंग ए ऑप्शन देखते हैं द टॉप ऑफ एटमोस्फेयर इज एट फोर हंड्रेड किलो वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ कॉरपोंडिंग टू एन इलेक्ट्रिकल फील्ड दैट डिक्रीज विद एल्टीट्यूड नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ द फील्ड इज अबाउट हंड्रेड वोल्ट पर मीटर वाई देन वी डोंट गेट एन इलेक्ट्रिकल शॉक एज वी स्टेप आउट ऑफ आवर हाउस इन टू द ओपन ज्यूम द हाउस टू बी अ स्टील केज सो देयर इज नो फील्ड इन साइड तो इस क्वेश्चन को देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास पहले क्या कहा गया है कि देखिए कि जो एटमोसफियर है लाइक like हम इसे अर्थ मान लेते हैं जो अर्थ के पास टॉप लेयर ऑफ एटमोसफियर है उसमें पोटेंशियल कितना है मेरे पास फोर हंड्रेड किलो वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ सरफेस तो अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल मेरे पास कितना होता है ये हम सभी को मालूम है जीरो टू एन इलेक्ट्रिकल फील्ड डेट डिक्रीज विद एल्टीट्यूड तो कह रहे हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है जो एल्टीट्यूड मतलब हाइट बढ़ने के साथ डिक्रीज करता जा रहा है सो नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ फील्ड इज अबाउट 100 वोल्ट पर मीटर तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू है अबाउट नियर द अर्थ सर्फेसिस ये आ गई हंड्रेड वोल्ट पर मीटर जैसे जैसे हम हाइट में जाते जाएंगे और आप कह सकते हैं एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा तो मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी सो so, अब एग्जामिनर हमें क्या पूछा है वाई देन डू वी नॉट गेट एन इलेक्ट्रिकल शॉक एज वी स्टेप आउट ऑफ आवर हाउस इन टू द ओपन फॉर एग्जाम्पल स्टील का बना हुआ हमारा हाउस है तो इसमें हमें तो इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा क्यों क्योंकि इन साइड अ स्टील हाउस हमें मालूम है इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी हो जाएगी ज़ीरो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इन इनसाइड आ मेटेलिक कंडक्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो का मतलब कि कोई चार्ज ही नहीं है तो हमें घर में अगर चार्ज ही नहीं है तो हमें कोई भी करंट नहीं लगेगा अब एग्जामिनर कहा कि एज वी स्टेप आउट जैसे ही हम बाहर आएंगे अपने घर से ठीक है लेट यह मेरी अर्थ सर्फेस होगी तो अब जो हमारा एटमोस्फेयर है वो चार्ज रहता है ठीक है उसके कारण हमें इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों नहीं लगता इसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी हमेशा ही अर्थ के साथ कनेक्ट रहती है तो जो पोटेंशियल ऑफ आवर बॉडी है वो अर्थ के पोटेंशियल के इक्वल ही है सो so, हम इक्वी पोटेंशियल बना के रखते हैं टू द अर्थ सरफेस देखिए चार्ज जैसे भी फ्लो होता है हमारा एटमोसफियर से टू अर्थ सरफेस फ्लो होगा बट जब हम इक्वी पोटेंशियल सर्फेस पर होंगे तो चार्ज फ्लो ही नहीं होगा थ्रू आवर बॉडी क्लियर हमारी बॉडी के थ्रू कोई भी चार्ज अर्थ तक फ्लो नहीं होगा क्यों क्योंकि हम इक्वी पोटेंशियल बना रहे हैं विद अर्थ सरफेस तो चार्ज फ्लो ही नहीं होगा तो हमें शॉक भी नहीं लगेगा एज जो एटमोसफियर है वो हमारी बॉडी को चार्ज करता रहेगा लाइक है like, ना कि हमारी बॉडी को वो चार्ज देता रहेगा एटमोसफियर बट हमारी बॉडी इक्वी पोटेंशियल फॉर्म कर रही है विद द अर्थ सर्फेस ड्यू टू दैट देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड अवर बॉडी जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं हमारी बॉडी और अर्थ सरफेस में तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा अगर चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा तो हमें शॉक लगेगा ही नहीं इसको हम वर्डिंग में भी देख लेते हैं लाइक द रीज़न इज दैट आवर बॉडी एंड ग्राउंड आर ऑलवेज एट द सेम पोटेंशियल दे फॉर्म एन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस इसी कारण हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता नाउ बी ऑप्शन देख लेते हैं ए मैन फिक्सिस आउटसाइड हिज हाउस वन इवनिंग आर टू मीटर हाई इंसुलेटिंग स्लैब

जिसका एरिया है हमारे पास वन मीटर स्केयर तो अब देखिए एग्जामिनर हमें क्या पूछ रहा है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो आदमी इस अल्मीनियम शीट को टच करेगा क्या उसे शॉक लगेगा या नहीं लगेगा तो इसका आंसर क्या है यस ही विल गेट अ शॉक व्हेन ही टचेज दिस अल्मीनियम शीट क्यों अब देखिए अब ये मेरी होगी थी इंसुलेटिंग स्लैब ठीक है ये काम कैसे करेगी अब डाई का देखिए पोटेंशियल ऑफ अर्थ सरफेस हमें मालूम है हमारा कितना है जीरो अब जैसे जैसे हम हाइट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हमारा पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है लाइक like, यहां पे आप देख सकते हैं अर्थ के सरफेस पे मेरा पोटेंशियल था जीरो जैसे जैसे मैं बढ़ता जा रहा हूं तो मेरा पोटेंशियल कितना आ जाएगा 400 किलो अगर मैं मेटल शीट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इस फॉर्म से ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू भी दी हुई है ऑन अर्थ सर्फेस वो कितनी थी हंड्रेड वोल्ट पर मीटर तो हंड्रेड वोल्ट पर मीटर इंटू डी अब कितना डिस्टेंस था हमारा टू मीटर इंटू टू मीटर तो मीटर से मीटर कैंसिल तो मेरा पोटेंशियल ऑफ आ अलमिनियम शीट कितना आ जाएगा टू हंड्रेड वोल्ट तो अब यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल कितना आ गया टू हंड्रेड वोल्ट तो अर्थ सरफेस कितना है जीरो पोटेंशियल पे तो यस ड्यू टू इंसुलेटिंग स्लैब है ना ये मेरा चार्ज जो भी यहाँ पर एकोमुलेट हो रहा है वो फ्लो नहीं कर पाएगा ईजली टू अर्थ में तो जो फ्लो नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब क्या है ये यहाँ पे एकमुलेट होता रहेगा मतलब इकट्ठा होता रहेगा हालांकि इसे इकट्ठा होने के लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए और काफ़ी ज़्यादा एरिया चाहिए अगर मैं इसे काफ़ी थोड़े समय के लिए रखें लाइक आवर्स लाइक वन और टू आवर्स और इसका एरिया भी बहुत कम कर दूँ तो मुझे शॉक लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे ठीक है तो जो चार्ज अकमुलेट हो रहा है वो किसके डायरेक्टली ही हो गया कि कितने टाइम के लिए ये मेरी एलुमिनियम शीट बाहर रहेगी ऑन एटमोस्फियर एंड आल्सो द एरिया ऑफ शीट तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग इसे टच करने आ रहा है तो मेरे पास काफी ज्यादा ऑवर्स मिल गए इसे चार्ज होने के लिए प्रोलॉन्ग टाइम हम कह सकते हैं एंड एरिया ऑफ शीट इज सफिशेंट कि ये आराम से चार्ज हो सके सो डैट्स वाई नेक्स्ट मॉर्निंग द मैन विल गेट अ शॉप तो इसकी वर्डिंग एक्सप्लेसन भी देख लेते हैं द अलमिनियम शीट एंड द ग्राउड फॉर्म अ कैपेस्टर विद इंसुलेटिंग स्लैब एक्टिंग एज अ डाई इलेक्ट्रिक द डिस्चार्जिंग करंट इन द एटमोसफेयर चार्जिस द कपैसिटर ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे उसे चार्ज करता रहेगा जो एटमोसफेयर में हमारे पास करंट है द पोटेंशियल टू विच द कैपेस्टर गेट राइट डिपेंड अपॉन इट्स साइज एंड द टाइम ड्यूरेशन विच इज अलाउड टू चार्ज जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारी शीट का साइज एंड कितने टाइम के लिए हम उसे एटमोसफेयर में रख रहे हैं फॉर द साइज ऑफ कपैसटर फॉर्म्ड And the time duration whole night, the potential built up will be high enough that if a man touches metal sheet next morning, he will get an electrical shock. Next C option the discharging current in the atmosphere due to small conductivity of air is known to be 1800 ampere on an average over the globe. Why then does the atmosphere not discharge itself completely in due कोर्स एंड बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन अदर वर्ड्स वट कीप्स द एटमोस्फियर चार्ज अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या आ गया है कि देखिए जो हमारा एटमोस्फियर है ठीक है वो कीप ऑन डिस्चार्जिंग है ऑन अ ग्लोब डिस्चार्जिंग रेट हमारे पास कितना है एटीन हंड्रेड ऑन अ एवरेज एटीन हंड्रेड हम करंट हर सेकेंड डिस्चार्ज कर रहे हैं टू अर्थ सरफेस तो इस डिस्चार्जिंग रेट के होते हुए भी कि वाई ऐसा क्यों नहीं होता कि सारा का सारा चार्ज हमारा फ्लो कर जाए ऑन अ अर्थ सरफेस और हमारा एटमॉस्फेयर बन जाए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो इसके रीजंस भी देख लेते हैं फर्स्ट यहाँ पे अब हमारे पास हमें मालूम है ऑल ओवर द ग्लोब हमारे पास थंडर स्टॉम्स लाइटनिंग एंड क्लाउडिंग ये होती रहती है लाइक like, थंडर स्टॉम्स एक्ट एज अ जॉइंट बैटरी इन अ अटमॉस्फियर ठीक है जो इसे चार्ज करके रखते हैं लाइक अब अगर थंडर स्ट्रॉमिंग हो रही है इन एटमोस्फेयर ठीक है ये एक टेस्ट करते हैं जाइंट बैटरी कीपिंग द एटमोस्फियर चार्ज ठीक है अप टू जैसे हमें एग्जामिनर ने कहा था कि 400 हंड्रेड किलो वोल्ट तक ये पोटेंशियल बना के रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस इसके अलावा हमारे पास कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकफिकेशन ऑफ एयर ड्यू टू आइनाइजेशन ऑफ एटमोस्फेयर ड्यू टू कॉस्मिक रेस जो हमारे सन से रेस आती हैं एंड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ऑफ अर्थ यहाँ पे हम मेरे पास दो मेन रीजन हो गए लाइक लाइटनिंग और थंडर स्टोम एक्टाइज अंट बैंटरीज एंड उसके अलावा जो हमारा कॉन्टिन्यूस भी चार्ज मिलता रहता है एटमोसफेयर को ड्यू टू आयोनाइजेशन है ना फ्रॉम कॉस्मिक रेस एंड रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना ऑफ अर्थ इट्स सेल्फ द कन्डक्टिविटी ऑफ एयर इज़ वेरी वेरी लो बहुत बहुत कम होती है दैट्स वाई कि हमारा जितना चार्ज एटमोसफियर में जनरेट हो रहा है आप कह सकते हैं कि न्यू चार्ज जितना हमारे पास जनरेट हो रहा है उस रेट से हम उसे फ्लो नहीं करा पाते ऑन अर्थ सरफेस ड्यू टू लो कंडक्टिविटी ऑफ एयर डैट्स वाई जो हमारा एटमोसफियर है वो चार्ज रहता है सो इसकी वर्डिंग एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं देखिए द एटमोसफियर कीप्स ऑन चार्जिंग कंटिन्यूअसली by thunderstorms and lightning occur all over the globe on the other hand it also keeps on discharging due to air which becomes slightly conductive due to ordinary weather so the two processes oppose each other since the connectivity of air is quite small the atmosphere remains charged so blast part d option what are the forms of energy into which the electrical energy of atmosphere is dissipated ड्यूरिंग अ लाइटनिंग तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि हमें बताना है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ऑफ अ एटमोसफियर वो कैसे डेसीपेट होती है ड्यूरिंग लाइटनिंग लाइटनिंग होने के कारण जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो तीन फॉर्म में डेसीपेट हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म लाइट जैसे ही लाइटनिंग होगी जैसी बिजली कड़कती है तो हमें रोशनी दिखती है तो एक फॉर्म होगी इन अ फॉर्म ऑफ लाइट सेकेंड हम कहते हैं कि देखो बिजली कड़की है ना तो इसका क्या मतलब है कि हमें साउंड भी सुनाई देता है वैन लाइटनिंग अकर्स जब लाइटनिंग होती है तो हमें साउंड भी सुनता है तो इसका क्या मतलब हो गया कि अब सेकेंड फॉर्म ऑफ डेसिकेटेड ऑफ एनर्जी इज साउंड एनर्जी एंड थर्ड ऑप्शन देखिए जब भी हमें मालूम है बिजली कहीं गिरती है है ना जब लाइटनिंग कहीं गिरती है तो वो उस चीज़ को जला देती है तो इसका क्या मतलब हुआ उसमें हीट भी होती है सो so, हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो डिसिपेटेड हो रही है ड्यूरिंग इन अ लाइटनिंग इन थ्री फॉर्म्स साउंड लाइट एंड हीट फॉर्म थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो